हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न। क्रिस्पी कॉर्न ये एक स्टार्टर रेसिपी है और इसे बनाना बड़ा ही आसान है। तो आइए बनाते हैं क्रिस्पी कॉर्न। इसके लिए मैंने ये 3 कप पानी लिया है। ये उबले हुए पानी में हम ये 1.5 कप कॉर्न ऐड करेंगे। इसे हम 4-5 मिनट के लिए उबालेंगे। कॉर्न को हमने 5 मिनट के लिए उबाल लिया है। आप देख सकते हो हमारे कॉर्न कितने फूले फूले नजर आ रहे हैं। अभी हम इसे गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और निकाल देते हैं। ये हमने कॉर्न को ड्रेन आउट कर लिया है। अभी इसमें हम ये 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है। ये इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पहले। अभी हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर हम ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। मैं टेबल स्पून से ही लेती हूँ। ये देखिए, पहले हम 3 टेबल स्पून डाल लेते हैं, फिर ज़रूरत पड़े तो और ऐड करें। इस तरह से सिर्फ हाथ नहीं लगाएंगे, इसे इस तरह से सिर्फ कोट करेंगे। अच्छे से पूरे कोट हो जानी चाहिए। पाउडर नहीं रहनी चाहिए, पूरी तरह से कोट हो जानी चाहिए। और 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैंने और डाला है। इसे मैं इस तरह से इसे कोट करती हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो पाउडर लग रहा है पानी डालने से, बाकी के भी इस पाउडर इसको चिपक जाएगा। ये देखिए, अभी दिख नहीं रहा है पाउडर, पूरी तरह से अभी इसको कोट होगा। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी ये कोट किए हुए कॉर्न हम इसमें ऐड करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने स्लो पे ही रखा है। 2-3 मिनट हम इसे कुछ नहीं करेंगे। ये हमारे कॉर्न बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आ चुका है। मैं निकाल लेती हूँ। ये सभी कॉर्न हमने अभी डाल लिए हैं ऑयल में फ्राई करने के लिए। फ्रेंड्स, हमारे इसमें कितना अच्छा कोटिंग आया है और क्रिस्पी भी बहुत हुए हमारे कॉर्न। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इन्हें निकाल लेती हूँ। इसमें एक ही प्रिकॉशन लेना है, जब हम इसमें डालते हैं ऑयल में तो गैस का फ्लेम लो ही रखना है और लास्ट के 2 मिनट जब हमें क्रिस्पी करना है कॉर्न को तभी गैस का फ्लेम बड़ा रखना है। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना अच्छा कोटिंग आया है और क्रिस्पी भी बहुत हुए हैं। मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। आप ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसका भी आवाज़ आपको सुनाती हूँ। ये देखिए, तो अभी हम इसमें ये थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। आप आपके चॉइस के अनुसार इसमें जो मसाले आपको पसंद है वो ऐड कीजिए। थोड़े थोड़े डाल रही हूँ मैं। भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं नींबू का जूस और धनिया पत्ती हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से ही इसे मिक्स करेंगे। मैं निकाल लेती हूँ इसे सर्विंग बाउल में।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।